हेलो एवरीवन बच्चों, जैसा हमने कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी क्लास ट्वेल्थ की फिज़िक्स शुरू करेंगे, तो आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ की फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो भी कोर्स होगा, ये जो भी हम लोग पूरी क्लास आज से शुरू कर रहे हैं, ये उन सारे बच्चों के लिए होगा जो क्लास इलेवेंथ पास करके क्लास ट्वेल्थ में गए हैं और नेक्स्ट ईयर जिनको क्लास ट्वेल्थ में बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होना है। उन सारे बच्चों के लिए भी होगा जो नेक्स्ट ईयर जेई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अपीयर होना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए भी। मतलब जिस भी सिलेबस में तुम्हें क्लास ट्वेल्थ की फिज़िक्स पढ़नी है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, चाहे फिर नीट की प्रिपरेशन हो, चाहे नीट एग्जामिनेशन हो जो कि हमें नेक्स्ट ईयर में अपीयर होना है, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग ये क्लास ट्वेल्थ की पूरी फिज़िक्स को कवर करेंगे। और जैसा कि आज जो कि फर्स्ट क्लास है, आज से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। और बहुत दिन से मैंने कहा था कि इसको जल्दी शुरुआत करेंगे और हम लोग पूरे पूरे अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, अंत तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट, दो तीन बातों को समझना ज़रूरी है कि ये कोर्स को हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे और हमें क्या मेरे तरफ से रहेगा, क्या तुम्हें करना होगा ताकि इसका मैक्सिमम हमको बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने कहा है कि जो भी बच्चे क्लास एलेवेंथ कंप्लीट करके क्लास ट्वेल्थ में अपीयर हुए हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही मतलब एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन होगी नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हमारे जो प्रिपरेशन होगा वो पूरा एनसीईआरटी के इर्द गिर्द होगा। हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के पूरे बेस को मजबूत करते चलेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉपिक्स को देखेंगे, पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये तो एक चीज़ कन्फर्मेशन है कि ये तो हमें कवर करना ही है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये सिलेबस और ये कोर्स ये सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए के ही नहीं होगा, ये उन बच्चों के लिए भी होगा जो मेंस और नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो उनके लिए भी ये सिलेबस ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर भी जो भी चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एडिशनल चीज़ें हैं, वो हम लोग भी इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे। तो बस ये करना है कि जो भी चीज़ें इस दौरान मैं तुमको बताऊंगा, तुमको एडवाइस करूंगा कि ये करना है, ऐसे करना है, इस वक्त करना है, वो तुमको उस तरीके से फॉलो करना हो। और बिलीव करो, अगर हम लोग पूरे इस तरीके से जिस तरह से मैं तुमको बताऊंगा, जैसे हमें चलना है, जैसे हमें आगे बढ़ना है, अगर उस तरीके को हम फॉलो करेंगे तो हमें जो भी हमारा टारगेट है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन है, मेंस है, एडवांस है या फिर नीट है, ये आराम से कवर होगा। जो भी टारगेट सेट किया है सब अचीव होगा, ठीक है। चलो, तो बाकी चीज़ें हम लोगों की, जैसे अब तक हम लोग पढ़े हैं बहुत डीप में, बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, वैसे ही सिलेबस ये भी हम लोग के चलेंगे। बस तुमको ऑनेस्टली और पूरे मन से, पूरे डिटर्मिनेशन से इसको ज्वाइन करना है और आज से अभी से इस क्लास को शुरू कर देनी है, ठीक है। चलो, तो जब बच्चों क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे, तो मेरा एक, जैसा कि बहुत बच्चे जानते हैं कि मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि फिजिक्स में सिक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो मैं ऐसा कभी नहीं करने को सजेस्ट करता हूँ, अनलेस जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए तो बात की बात है, अदरवाइज हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हुए चले, ठीक है। तो जो सीक्वेंस की बात करेंगे, तो हम लोग जैसे ही क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स ओपन करते हैं, हमारे सामने सबसे पहले प्रकट होता है वंडरफुल सेक्शन ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों, हमारा जो शुरुआत का सेक्शन है, शुरुआत की जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे मैं तुम्हारे जो पूरे इस फर्स्ट बुक में तीन चैप्टर मैं तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तुमको पढ़ाता हूँ। एक तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अलावा एक गॉसेस थ्योरम है, हालांकि गॉसेस थ्योरम हमारे इस बुक में ही है, अलग से चैप्टर नहीं है, बट इस चैप्टर में ही है, अलग से चैप्टर नहीं, मगर
गॉसेस थ्योरम इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसको मैं एकदम सेपरेट चैप्टर में करके पढ़ाऊँगा। तो मैं तुमको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में तीन चैप्टर में तुमको पढ़ाऊँगा, तो तीन चैप्टर से बना हुआ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। एक ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद गॉसेस थ्योरम एंड देन कैपेसिटेंस। बट बिफोर हम उसकी बात तो बाद में करेंगे, बट लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत ही शानदार सेक्शन है, फिजिक्स का बहुत कमाल का एक कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है, और हमें कोशिश करना है कि इसके जो भी बारीकियाँ हैं उसको अच्छे समझने की। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के उस ब्रांच को डिस्कस करता है जहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज के बारे हम लोग पढ़ते हैं। जब एक चार्ज स्टेशनरी हो, रेस्ट में हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हम जिस सेक्शन में पढ़ते हैं उस सेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि व्हेन अ चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। तो जब कोई चार्ज अगर रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, स्टैटिक हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उससे रिलेटेड फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम जिस सेक्शन में पढ़ते हैं उस सेक्शन में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो शुरुआत के जो हमारे फिजिक्स के जो कुछ चैप्टर्स हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही अंदर आते हैं, जिसमें चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, मगर मेक श्योर करेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल क्या होना चाहिए, वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, स्टैटिक हो, ठीक है, क्लियर है। तो दिस सेक्शन विल बी ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कोई भी चैप्टर में शुरुआत करते हैं, और स्पेशली जब वो बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हमको एक इंट्रोडक्शन देना होता है कि क्या है, कैसे है, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर है, बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो बहुत कुछ इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो बात होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज, चार्ज के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर का, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत जो होगी वो थोड़े से इंट्रोडक्शन से होगी, उसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्ज, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और उस ब्रांच को डील करता है जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है, स्टेशनरी हो। तो अब सबसे पहले समझेंगे चार्ज की, देखो ये जो सेक्शन है इस ऑल इस एवरीथिंग अबाउट चार्ज। तो जब पहले चार्ज के बारे में नहीं समझेंगे तो बाकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। एक बात और समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग चार्ज को एक लाइन में डिफाइन कर देंगे, बस दिस इज कॉल्ड चार्ज। तुमको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, ये हमको समझना होगा। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग जाएंगे, वहाँ से चीज़ों को उठाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। चार्ज के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से सब कुछ तो नहीं कह सकते, है ना, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हम चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अभी और जानने की कोशिश कर भी रहे हैं, मगर काफ़ी कुछ हम लोग उसके बारे में जानते हैं। मगर किसी भी चीज़ की शुरुआत, किसी भी एडवांस लेवल तक पहुँचने की शुरुआत बहुत बेसिक से होती है, ज़ीरो से होती है। हम प्रिपरेशन भी करेंगे तो बहुत ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। चार्ज के बारे में जो भी हम जानते हैं आज, वो काफ़ी एडवांस लेवल पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कभी इसकी ज़ीरो से हुई होगी। इस दुनिया में किसी न किसी ने पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ज, ठीक है। वहीं से बात को शुरू करते हैं। तो टाइम इज़ अराउंड 600 BC, अभी से लगभग कह सकते हो कि लगभग 2600 साल पहले की बात हम लोग करें, तो 600 BC अगर अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम है जब हम लोग
पहली बार ह्यूमन बीइंग चार्ज से इनकाउंटर हुआ कि चार्ज जैसी भी कोई चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है। और प्लेस की बात करें तो प्लेस वॉज ग्रीस, ठीक है, ग्रीस वो जगह थी। और ग्रीस में ऐसा कहा जाता है कि थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, तो मिलेटस एक जगह है जहाँ पर पे जो उनके वहाँ के जो फिलोसफर्स होते थे, है ना, उनको हम लोग जो मैथमेटिशियंस होते थे, फिलोसफर्स होते थे, उनको हम लोग थेल्स ऑफ मिलेटस कहा करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं के द्वारा चार्ज के ओरिजिन को, चार्ज के, चार्ज जैसी कोई चीज़ है उसके इफेक्ट को सबसे पहले देखा गया। तो देखा यह गया कि जब हम लोग एम्बर, एक वर्ड यहाँ पर भी बहुत यूज़ होगा एम्बर, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ, चार्ज की शुरुआत कहाँ से हुई, इस चीज़ के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एम्बर। अब एम्बर को जब हम लोग, या जब भी जिसने भी देखा होगा, जिसने सबसे पहले चार्ज को इनकाउंटर किया होगा, तो ऐसा कहा जाता है, कैसा देखा गया कि जब एम्बर को सिल्क या वूल से हम लोग अगर अच्छे से रगड़ते हैं, रब करते हैं, है ना, तो एम्बर को जब सिल्क या वूल से हम लोग रब करते हैं, तो ये जो एम्बर है वो छोटे छोटे पीसेस को और बहुत लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यहीं से बात शुरू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एकदम यहीं से बात शुरू होती है, जो हम लोग को पता है कि जब एम्बर, अच्छा एम्बर क्या होता है पहले उसकी बात हम लोग कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और तुम बताओ कि एम्बर को ग्रीक में, ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन कह करके पुकारा जाता था, तो ग्रीक में, ग्रीक में हम लोग एम्बर को इलेक्ट्रॉन नाम दे करके पुकारा करते थे। इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड्स, वर्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी और सारे वर्ड्स जो है वो सामने हैं, ठीक है, तो जानना चाहिए जिसका कि भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड कहाँ से आया। तो अच्छा पहले एम्बर के बारे में तुमको बता रहा, एम्बर क्या हो चीज़ होती है। एक्चुअली एम्बर जो होता है वो जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ के जो रेशे होते हैं जिनको हम लोग फॉसिल्स रेजिन कहते हैं, और अगर तुमने देखा होगा कि किसी भी पेड़ से जो गोंद जैसा चिपचिपा कुछ मटेरियल निकलता है ना, तो वही होता है फॉसिल्स रेजिन। वो जब जम जाता है तो बड़ा एकदम पत्थर की तरह, एकदम सॉलिड होता है, एकदम कठोर हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एम्बर। बड़ा चमकीला और शाइनिंग करता है उसको, उस ज़माने में पहले उसको अच्छे से यूज़ करके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे और डेकोरेशन के सामान वगैरह बनाते थे। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि इसका यूज़ हम लोग मेडिकेशन में भी कभी कभी इसका यूज़ करते थे, तो बहुत इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ हुआ करता था, ठीक है। तो ये फॉसिल्स रेजिन होते हैं जो पेड़ के अंदर से जो गोंद जैसे स्टिकी मटेरियल्स निकलते हैं, कुछ कुछ वैसे ही मान के चलो, और ये जब जम जाता है तो इट बिकम्स क्वाइट सॉलिड, एकदम कठोर पत्थर की तरह हो जाता है। इसको तुम रब करोगे, एकदम रब अच्छे से रगड़ हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्बर। ग्रीक में इसको कहा जाता था बच्चों इलेक्ट्रॉन। सोच लो, अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन वर्ड जो हम इतना फैमिलियर हैं जिससे हम लोग आज, वो वर्ड कहाँ से आया, एम्बर से आया। एम्बर का ही यूज़ सबसे पहले करके देखा गया था कि चार्ज जैसी कोई चीज़ होती है जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या था कि जब हम लोग एम्बर को सिल्क या वूल से अच्छे से रगड़ते हैं, तो जो एम्बर होता है जिसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, वो एम्बर लाइट ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये चीज़ ऑब्जर्वेशन तो हो गई, अब इसके पीछे का रीज़न, ऑब्जर्वेशन और उसके पीछे का रीज़न, ऐसा नहीं कि तुरंत पता चल जाता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। यू ऑब्जर्व समथिंग, यू स्टडी अबाउट इट, देन यू रीच अ कॉन्क्लूजन। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये एम्बर में प्रॉपर्टी होती है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कहानी है, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में धीमे धीमे आगे बढ़े तो हमको समझ में आया कि सही ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो हुआ क्या कि ये तो सिर्फ एम्बर, तुमको मैं एग्जांपल दिया हूँ कि जब हम लोग आगे बढ़े तो ऐसा देखा गया कि ये जो
अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। एम्बर को मैंने सिल्क से रब किया और एम्बर छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ एम्बर और सिल्क में नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से रगड़ने पर, रब करने पर चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हुआ क्या कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब किया, अच्छे से रगड़ा और देखा कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ एम्बर तक लिमिटेड नहीं है। ये ऑब्जेक्ट्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जो बहुत ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर उनको बताऊँ, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो एक बहुत ही अच्छा पेयर है जिससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। इसका एग्जांपल बहुत मिलेगा। ग्लास के रॉड को जब हम लोग सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो इनमें भी वही प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है। ये भी छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, इसमें ये भी देखा गया कि अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से अच्छे से रगड़ें, दो ग्लास रॉड को अगर सिल्क के कपड़े से रगड़ें, तो वो जो दोनों ग्लास रॉड हैं उनको पास लाने पर रिपल्शन होता है। थोड़ा तो ध्यान से इस बात को समझना, दो ग्लास रॉड लिए, दोनों को सिल्क से मैंने क्या किया, रगड़ा, और फिर रगड़ने के बाद दोनों ग्लास रॉड को पास लाया तो देखा कि वो दोनों ग्लास रॉड जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और फिर जो एक ग्लास रॉड को दो सिल्क के पेपर से रगड़ लिया, सिल्क के क्लोथ रगड़ लिया, तो देखा सिल्क भी आपस में रिपल्शन कर रहा है। लेकिन ग्लास और सिल्क को जब रब किया और ग्लास और सिल्क को पास लाया तो उनमें अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ देखा गया कि किसी को किसी के पास लाने पर रिपल्शन हो रहा है तो किसी को दूसरे के पास लाने पर अट्रैक्शन हो रहा है। एक और एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखने को मिलेगा जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है प्लास्टिक रॉड एंड कैट्स फर। प्लास्टिक रॉड एंड कैट्स फर। अब प्लास्टिक रॉड, जैसे मान लो ग्लास रॉड के बदले मैंने प्लास्टिक रॉड ले लिया और सिल्क के कपड़े के बदले मैंने एक कैट्स फर ले लिया। कैट्स फर जो कैट का जो ऊपर का जो फर होता है उसकी बात हो रही है। तो अब मैंने क्या किया कि प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ रब किया तो फिर देखा कि जो दो प्लास्टिक रॉड है उसमें रिपल्शन हो रहा है। लेकिन वही प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ लाया, ऑफकोर्स रब करने के बाद, तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिली। तो मैं तुमको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो रब करने की प्रॉपर्टी है जो हमको पहली बार एम्बर में दिखाई पड़ी, ये सिर्फ एम्बर तक लिमिटेड नहीं था। आगे जब देखा लोगों ने तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत जगह देखने को मिली, जिसके दो एग्जाम्पल मैं तुमको यहाँ पे दिए। तो काफ़ी इसमें लोगों ने स्टडी किया कि भाई ये चीज़ क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉडीज़ को जब रब कर रहे हैं तो इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, किसी भी चीज़ पे हम लोग जब देखो हम लोग जो भी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट हमारे पास आती है, वो बच्चों एक दिन में शायद ऐसा रेयरली होता होगा कि कोई थ्योरी एक दिन में, या शायद नहीं होता होगा कि कोई थ्योरी एक ही दिन में डेवलप हो गई। इट टेक्स टाइम एंड टाइम इज़ छोटा मोटा नहीं, इट टेक्स सम ईयर्स, सम टाइम्स डिकेड्स, सम टाइम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इट कैन टेक, तब जा कर के हमें एक सॉलिड कॉन्क्लूज़न मिलता है। तो ऐसा नहीं कि जब 600 BC में जब किसी ने इसको रब किया एम्बर को और देखा कि ये प्रॉपर्टीज आ रही है और उसी रात को उसने बता दिया कि भाई देयर समथिंग कॉल्ड चार्ज, ऐसा नहीं होता है। साइंस MA ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी समय लगता है और वो समय कभी कभी 2600 साल तक जा सकता है। ऐसे मैं तुमको बता रहा हूँ कि यू शुड बी पेशेंट, है ना। हम जब कोई काम करें तो उसके रिजल्ट में वी शुड बी पेशेंट, ठीक है। अगर ऑनेस्ट है तो रिजल्ट मिलेगा, बट बी श्योर कि यू आर पेशेंट इनफ। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमको। तो हुआ क्या कि अब इसके पीछे वजह क्या है भाई, क्यों रगड़ने पर अट्रैक्शन हो रहा, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो बॉडीज़ में आ जा रही है कि वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहा है।
तो लोगों ने ये बात कही कि भाई ऐसा है कि जब दो बॉडीज़ को हम लोग चार्ज करते हैं, सॉरी चार्ज कह रहा हूँ मैं, जब दो बॉडीज़ को हम लोग रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वो बॉडीज़ जो हैं वो बॉडीज़ इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये हुआ कि उन बॉडीज़ पर एक किस्म की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को ही नाम दिया गया द चार्ज। और जिस भी बॉडी पर ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी अपीयर होगी उस बॉडी को हम कह देंगे द बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड। तो भाई रगड़ने पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो डेवलप हुई होगी ना, तभी तो अट्रैक्शन शुरू किया उसने, तो उस प्रॉपर्टी को ही लोगों ने कह दिया कि चार्ज है। और जैसे ही चार्ज बॉडी पर आएगा हमने कहा कि बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। फिर आगे ये देखा गया कि जब बॉडीज इलेक्ट्रीफाइड होती हैं, यानी कि जब वो चार्ज को एक्वायर कर लेती है, चार्ज को ग्रहण कर लेती है, वी कॉल इट द चार्ज इज एक्वायर्ड। जब बॉडी को रब करते हैं तो बॉडी चार्ज को एक्वायर कर लेती है। ये कैसे होता है, ये चार्ज क्यों आता है, ये अभी हम लोग आगे समझेंगे। और क्योंकि हर चीज़ एक सिक्वेंस में बढ़ी, मैं तुमको उसी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ जिस सिक्वेंस में हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा है। अभी हमको पता है, खुलासा कर दो कि भाई दो बॉडी को रब करते हुए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, मगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कुछ समय बाद पता चला है, तो मैं तुम्हें कुछ समय बाद बताऊँगा, अभी नहीं। तो जब शुरू में लोगों ने कहा कि बॉडीज़ चार्ज एक्वायर कर लेता है, और चार्ज एक्वायर करने के बाद हम कहते हैं द बॉडी इज़ इलेक्ट्रीफाइड, बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। अब फिर लोगों ने यह भी देखा कि जो बॉडीज़ पर चार्ज आ रहे हैं रगड़ने पर, रब करने पर, वो चार्ज दो टाइप के होते हैं, बॉडीज़ दो टाइप से इलेक्ट्रीफाइड हो रही है। तो इलेक्ट्रीफिकेशन के जो टाइप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, और कुछ नाम नहीं दिया गया अभी, नहीं अभी हमको पता है पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव जब नाम दिया गया तब वहाँ तुमको ले चलूँगा, तब बताऊँगा। शुरू में नहीं कहा गया कि पॉजिटिव निगेटिव है, शुरू में उसे इतना कहा गया कि बॉडीज़ को जब रब करते हो तो उनमें इलेक्ट्रीफिकेशन होता है, दे गेट चार्ज्ड, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। और ये इलेक्ट्रीफिकेशन दो किस्म का होता है, ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो दो टाइप का होता है। एक को कहा गया द लाइक चार्ज, और दूसरे को कहा गया अनलाइक चार्ज। अभी पॉजिटिव निगेटिव का कोई बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, लाइक और अनलाइक। अब किसको लाइक और किसको अनलाइक बोला गया, तो सुनो क्या हुआ। लोगों ने ये कहा कि जब भी दो बॉडीज़ को हम लोग रब करते हैं, एम्बर सिल्क का एग्जांपल ले लो, ग्लास रॉड या सिल्क का ले लो, या प्लास्टिक रॉड या कैट्स फर का ले लो, तो जब दो बॉडीज़ को रब करते हो, लेट अस कॉल्ड ए एंड बी, तो दोनों इलेक्ट्रीफिकेशन होगा, दोनों में चार्ज एक्वायर होगा। तो लोगों ने कहा कि ये दोनों में चार्ज अपीयर होगा, ये अनलाइक चार्जेस होंगे, सेम किस्म के चार्ज नहीं होंगे। तो जब भी दो बॉडीज़ को हम लोग रब करते हैं तो उनमें जो चार्ज डेवलप होता है वो अनलाइक, दो डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। अच्छा, जो जो इनकी जो चार्ज के जो तो जो दो टाइप है, इनके दो टाइप को हम लोग कहते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये जो दो चार्ज आ रहे हैं, इनकी जो पोलैरिटी आ रही है वो डिसाइड कैसे किया गया, कि जब भी हम ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े को रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आएगा और सिल्क के कपड़े पर जो चार्ज आएगा वो दोनों अलग अलग किस्म के चार्ज होंगे, अलग अलग टाइप के चार्ज होंगे। अब ये टाइप क्या है बाद में बात होगी, लेकिन टाइप अलग अलग है। सिमिलरली जब प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक पर जो चार्ज आएगा और कैट्स फर पर जो चार्ज आएगा वो सेम किस्म का चार्ज नहीं है। बॉडीज को रब करने पर दे गेट चार्ज्ड विथ डिफरेंट पोलैरिटी, ऐसा समझ लो। अब यहाँ पर पे दोनों का नाम कैसे रखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल
ग्लास रॉड को मैं रब किया सेल के कपड़े से, तो दोनों पे चार्ज आया और डिफरेंट पोलैरिटी। अभी तो हम जानते हैं कि वो डिफरेंट पोलैरिटी क्या होता है, प्लस और माइनस, मगर वो नाम तक कैसे पहुँचे, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले इस बात को समझो। फिर लोगों ने इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व किया, जैसे तुमको मैंने क्या बताया अभी कि ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने के बाद जब दो ग्लास रॉड को पास लाया तो रिपल्शन हुआ, यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, ये एस्टैब्लिश हो गया। और वही क्या हुआ कि ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़ लिया फिर पास लाया तो अट्रैक्शन हुआ। तो ये कॉन्क्लूजन निकाला कि अपोजिट जो अनलाइक चार्ज है उनमें अट्रैक्शन होता है। ये सब बातें हवा में नहीं हुई हैं, बकायदा करके देखा गया है। तुम दो ग्लास रॉड लो, उनको रब करो सिल्क के कपड़े से, दोनों चार्ज हो गए और दोनों ग्लास रॉड है, दोनों पे चार्ज सेम होगा, सेम टाइप का होगा इनफैक्ट। उनको प्लास लाया, रिपल्शन हुआ, मिल गया कॉन्क्लूजन कि सेम लाइक चार्जेस जो होंगे वो उनमें रिपल्शन होगा। वहीं ग्लास रॉड को सेल्स से रब किया फिर लाया, अट्रैक्शन हुआ, मिल गया कॉन्क्लूजन कि अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से एक कॉन्क्लूजन और इस्टेब्लिश कर लिया गया अबाउट द चार्ज कि जो चार्ज के दो किस्म हैं लाइक और अनलाइक, इनमें बड़ा अजीब किस्म का रिलेशन है। लाइक चार्ज सेम सेम टाइप के रिपल्शन हो रहा है और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा है। अब इसके नाम तक कैसे पहुँचे उसकी बात भी कर लेते हैं। होता है क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास रॉड को सिल्क से अच्छे से रब किया, खूब बढ़िया से रब कर लिया, ग्लास रॉड भी चार्ज हो गया, सिल्क का कपड़ा भी चार्ज हो गया, लेकिन ये चार्ज जो है वो अनलाइक चार्जेस हैं, रगड़ने पर लाइक चार्जेस नहीं आते, अनलाइक चार्जेस आते हैं। कह सकते हो कि जो इस पर चार्ज आया कॉल इट टाइप वन, इस जो चार्ज आया कॉल इट टाइप टू, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप वन टाइप टू। फिर हमने देखा कि जब ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े को रगड़ तो दिया, चार्ज तो हो गए, लेकिन जब दोनों को फिजिकली टच कराया फिर दूर ले गए तो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। यानी कि जब बॉडीज रगड़ने पर चार्ज हो जाती हैं, वापस टच कराने पर ये जो चार्ज है ये डिसअपियर हो जा रहा है। मतलब कि इन दोनों ग्लास रॉड और सिल्क पर जो चार्ज आए थे उनको जब टच कराया तो गायब हो गया। यानी कि जो अनलाइक चार्ज हैं वो अगर आपस से मिल रहे हैं तो एक दूसरे को मतलब वैनिश कर दे, ख़त्म कर दे रहे हैं। ये भी मिला, ये भी मिला, मिलके सिर हो गया। तो यहीं पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी फिलॉसफी लगाई इस पर। क्या फिलॉसफी लगाई कि यार ग्लास रॉड चार्ज हो गया है, सिल्क का कपड़ा भी चार्ज हो गया है, टाइप वन टाइप टू दोनों को पास लाया, चार्ज गायब हो गया। यानी कि इन दोनों चार्जेस में एक दूसरे को ख़त्म करने की टेंडेंसी है। एक दूसरे से मिला एंड यू गॉट जीरो, जस्ट लाइक यू गॉट अ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, मिल गया ज़ीरो। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मिला करके ज़ीरो हो जाता है, वैसे ही ये दोनों अनलाइक चार्ज भी ज़ीरो हो जा रहे हैं। तो ये फिलॉसफी गढ़ी गई। इस फिलॉसफी को गढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि चलो ये जो अनलाइक चार्जेस आ रहे हैं लाइक ग्लास और सिल्क पे, उनमें से एक को कह दिया जाए पॉजिटिव और एक को कह दिया जाए नेगेटिव। तो ये फिलॉसफी थी चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने की, क्योंकि ये जो अनलाइक चार्जेस हैं ये जैसे ही आपस से मिलते हैं वो ज़ीरो हो जा रहे हैं। जस्ट लाइक अ पॉजिटिव नंबर व्हेन एडेड टू इक्वल, अच्छा एक बात और, ये दोनों का चार्ज्ड हो करके टच कराने पर ज़ीरो हो जाना, इस बात का और कन्फर्मेशन है कि दोनों पर जो चार्ज की जो वैल्यू आई है वो इक्वल भी है, क्योंकि दो नंबर एक प्लस और एक माइनस ऐड करने पर जीरो तभी होंगे जब दोनों की वैल्यू भी सेम हो। तो यहाँ से कौन कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया गया कि जब दो बॉडीज़ को ड्रॉप रब करते हो तो वो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, अनलाइक किस्म के चार्ज अपीयर होते हैं,
और चार्ज की जो अमाउंट होती है वो भी सेम होती है, अदरवाइज टच कराने पर जीरो क्यों होता हो। तो इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम याद रखना, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिलॉसफी के आधार पे कह दिया कि भाई ये लो पॉजिटिव चार्ज, ये लो नेगेटिव चार्ज। वो दिन और आज का दिन है चार्जेस का ये नाम फिक्स हो चुका है। लेकिन इसके पीछे ये बात नहीं कि नेगेटिव वाला चार्ज कम होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज ज़्यादा होगा। जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो कम है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये इनके दो नेचर को दिखाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का ज़्यादा कम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने चार्ज को नाम दिया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री था चार्ज का, कि चार्ज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, किसने किया, किस तरीके से हुआ, उसके बाद की प्रोसेस क्या हुई, कैसे हम ये जाने कि दो अलग किस्म के चार्ज हैं, कैसे हम ये जाने कि इनमें रिपल्शन अट्रैक्शन है, ये हम कैसे जाने कि चार्ज इक्वल अमाउंट में ही डेवलप होगा आफ्टर अभी, और पॉजिटिव नेगेटिव नाम का पीछे फिलॉसफी क्या है, ये भी हमको पता चल गया। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट द चार्ज। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इस चार्ज के प्रॉस्पेक्ट में कंडक्टर और इंसुलेटर की क्या कहानी है, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो ये पूरा हमारा जो एक इंट्रोडक्शन है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि एक कंडक्टर इंसुलेटर का इस चार्ज से क्या एक कनेक्शन है, ठीक है, चलो।